नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी निवासियों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लॉकडाउन के संबंध में, सील करने के संबंध में आज जो घोषणा हुई है उसका मतलब है कि इस जिले के लगभग 12 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है, उसके आसपास के एरिया में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराया जाएगा। परंतु उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको घर बैठे हुए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसमें दूध, फल, सब्जी, ग्रोसरी के आइटम या कोई दवाई है, वो नहीं मिलेगी। प्रशासन ये व्यवस्था बनाएगा कि वो व्यवस्थाएं आपको घर बैठे मिल जाएं। शेष जनपदवासियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि लॉकडाउन को 100% लागू करने में प्रशासन की मदद करें। अभी तक आपने बहुत अच्छे ढंग से लॉकडाउन लागू किया है, और यदि आज आप किसी भी गलतफहमी के कारण बाजार में खरीदारी करने निकलते हैं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अतः आप सबसे अनुरोध है, घर पर बने रहें, लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाएं। जिला प्रशासन आपको हर वस्तु घर बैठे मुहैया कराएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋतु महेश्वरी, सीओ नोएडा अथॉरिटी। मेरा नोएडा के सभी निवासियों से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद नोएडा के 12 एरियाज हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि इन एरियाज में लॉकडाउन का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। सभी निवासियों से अनुरोध है कि कृपया पैनिक बाइंग ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व अपने घरों में ही लॉकडाउन के दौरान रहें। इन 12 हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी कराया जाएगा और जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको मेंटेन रखते हुए उनकी डोर स्टेप डिलीवरी कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी जगह एसेंशियल सर्विसेज जैसे अब तक लोगों को मुहैया कराई जा रही थी वैसे ही उपलब्ध कराई जाएंगी। तो कृपया र्यूमर्स का विश्वास ना करते हुए अपने घरों में ही रहें, पैनिक बाइंग ना करें। नोएडा अथॉरिटी द्वारा IVR हेल्पलाइन नंबर 8860032939 व नोएडा ऐप नाम से वेब सर्विस भी लॉन्च की गई है। इनके माध्यम से ग्रोसरी, फल, सब्जी, मेडिसिन के लगभग 1000 वेंडर्स को लिंक किया गया है जो आपको डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधाएं ऑलरेडी दे रहे हैं। तो मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि कृपया अपने घरों पे ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें व अपने को व जन सामान्य को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।